Good afternoon, everyone. That's me, Govind Dhakre. Welcome to my channel, Govind Sir English Classes. And you are watching me on my channel, Govind Sir English Classes. Please, guys, do subscribe my channel and hit the bell icon so that you may get all the notifications of my videos. Guys, today onwards, I'm going to tell you one thing. I teach English for CLAT, SSC, Bank, UPSC, Defense, MBA. Today, I took one verb. मैंने एक वर्ब ली है लाई. लाई का मतलब होता है लेटना. ये इंट्रांजिटिव वर्ब है. पहले तो बात सुन लो, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है. इसके साथ में ऑब्जेक्ट नहीं आता है. ऑब्जेक्ट नहीं आता तो क्या आता है इसके साथ में? या तो आएगा प्रीपोजिशन या आएगा एडवर्ब. या आएगा प्रीपोजिशन या आएगा इसके साथ में एडवर्ब. ये दो चीज ध्यान रखनी है. लेटना लाई हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब है. इसके साथ में प्रीपोजिशन आएगा, एडवर्ब आएगा, ऑब्जेक्ट नहीं आएगा. ऑब्जेक्ट क्या होता है? नाउन या प्रोनाउन होता है. अब देखो, लाई की सेकंड फॉर्म क्या होती है? ले. थर्ड फॉर्म क्या होती है? लेन. और फोर्थ फॉर्म जिसे बोलते हैं आईएनजी फॉर्म होती है लाइंग. और जो सिंगुलर फॉर्म होती है वो होते हैं लाइज. हमने समझने के लिए इस तरीके से लिख लिया है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ. ठीक है, तो मैं दो एग्जांपल्स आपसे पूछना चाहूंगा. आप बताएंगे कि कौन सा एग्जांपल में क्या लगाएंगे. जैसे फॉर एग्जांपल, ही ले द बेड. अब ऑप्शन है इन और ऑन. पहला क्वेश्चन. दूसरा, He lay bed. ऑप्शन है इन और ऑन. दिमाग लगाइए, क्या लगा सकते हैं आप इसमें? लगाइए दिमाग, क्या लगा सकते हैं आप, किस तरीके से लगा सकते हैं? ऑन आ सकता है बेड पे लेटा हुआ है. वह बेड पे लेटा हुआ है तो ऊपर लेटा हुआ है तो ऑन लगाएंगे आप. ध्यान रखो, मैं बताता हूं आपको. ही ले, जब भी द बेड हो तो आप ऑन लगाएं. ध्यान रखो. और केवल बेड हो तो इन लगाएं. ये ध्यान रखना, ऑन द बेड और इन द इन बेड. इसका मतलब क्या है? ऑन टॉप ऑफ द कवर्स. On top of the covers of bed. ऐसे कर सकते हैं. बेड का जो टॉप कवर है उसे बोल सकते हैं. और इसे बोल सकते हैं हम under the cover of bed. Under the cover of bed. On top of the cover of bed. ठीक है, टॉप ऑफ द कवर ऑफ बेड की बात करेंगे तो ऑन लगाएंगे. अंडर द कवर ऑफ बेड की बात करेंगे तो हम इन लगाएंगे. समझ लो, मैं एक बेड बनाता हूं. बच्चों ध्यान दो, मैंने एक बेड बनाया ये. ठीक है, इस तरीके से एक बेड है. मान लेते हैं मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, फिर भी मैं बेड बनाने की कोशिश करता हूं. अब देखो, मैंने इसमें बेड पे जो डालते हैं स्लीप बेल के गद्दे डाल दिए मैंने यहां. ठीक है, अब आप गद्दों पे आके लेट गए तो ये ऑन होगा. ठीक है, और गद्दों पे आके लेटे और आपने कुछ भी रजाई या कुछ भी ओढ़ ली तो इन होगा. इतना ध्यान रखना. और दूसरा, मैंने मेन पॉइंट बता दिया है कि अगर दा लगाओ तो ऑन लगाओ, अगर दा नहीं लगाए तो इन लगाओ. इस तरीके से हम ग्रामर समझेंगे. ठीक है, तो बच्चों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, यू कैन अंडरस्टैंड इट. कभी कभी एग्जाम में आ जाता है तो आप कर सकते हैं आसानी से. सो थैंक यू वेरी मच. सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर, फैला दो इसको पूरे इंडिया में. थैंक यू वेरी मच. थैंक्स अ लॉट.